रुख करेंगे अब प्रदेश की ओर। केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर में पश्चिम बंगाल में हुए घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की है। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी ने नेतृत्व में अंधा युग चल रहा है और गुंडाराज का बोलबाला है। इससे पहले भी जेपी नड्डा ने भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया और जनता से जोरदार स्वागत का उनके लिए धन्यवाद भी किया। केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी जेपी नड्डा ने बिलासपुर में पश्चिमी बंगाल में हुए घटनाक्रम तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की। नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में अंधा युग चल रहा है और गुंडाराज का बोलबाला है। इससे पहले जेपी नड्डा ने भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया और जनता ने जमकर जोरदार स्वागत किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता से ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला चुकी है। पश्चिमी बंगाल में भाजपा की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता ने उनकी रातों की नींद हराम कर दी है। इसी का परिणाम है कि आज ममता बनर्जी भाजपा को रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि ये बहुत ही दुख और निंदनीय घटना है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में उनके रोड शो में जिस प्रकार गुंडागर्दी की गई। उन्होंने कहा कि वे उन भाजपा कार्यकर्ताओं को सलाम करते हैं जिन्होंने इस गुंडागर्दी का डटकर मुकाबला किया। जो कल शाम को कलकत्ता में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी का के रोड शो में जिस तरीके से टीएमसी के और ममता जी के इशारे पर जो उस रोड शो में अटैक हुआ, जो हमला हुआ और जो गुंडागर्दी हुई, जिस तरीके का माहौल वहाँ बनाया गया वह अति निंदनीय है। उसकी घोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए। यह ममता जी की जमीन खिसकती हुई दिखती हुई बंगाल में उसकी बौखलाहट का परिचायक है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों को और जो संगठन कौशल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिखाया है उसको देखते हुए जो जन समर्थन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है उसने ममता जी की नींद को उड़ा दिया है। वो बौखला गई हैं और बंगाल में एक तरीके से उनके नेतृत्व में अंधा युग हम सबको देखने को मिल रहा है। गुंडा राज हो गया है वहाँ पर, किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसका मुंहतोड़ जवाब बंगाल की जनता चुनाव में वोट के माध्यम से करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और जो उन्होंने प्रदर्शन किया है, जो ऐसी घड़ी में भी, इस काला युग में भी, इस प्रजातंत्र के खिलाफ लड़ने वाली परिस्थिति में भी जो इसका जवाब दे रही हैं, वहाँ खड़े होकर के प्रजातंत्र की रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि बंगाल की जनता इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को और उनकी सरकार को पदच्युत करेगी, सत्ता से विमुक्त करेगी और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी मोदी जी की नीतियों पर और अमित शाह जी के संगठन कौशल वहाँ पर एक नया युग की शुरुआत करेगा, ऐसा मेरा मानना है।